थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनप्रीत आलस। तो वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों को पाई चार्ट में प्रॉब्लम आती है, और रिसेंट एग्जाम की हम बात करें, राइट नाउ रियल आईएएस एग्जाम में पाई चार्ट की जो शेप है सेम इस वे में देखने को मिल रही है। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि पाई के साथ टेबल भी देखने को मिल रहा है। तो कैसे आप ओनली 9 to 10 मिनट में पाई लिख सकते हो, विद मैंने इसको लिखने की ट्राई किया है, ये 8+ बैंड स्कोर का है। यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे लिख सकते हो। मैं बहुत कम समय में आपको कोशिश करूँगा बताने की इन दिस वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे, अगर बात करें लिसनिंग की एंड रीडिंग की, इन दोनों मॉड्यूल्स में आप 9 बैंड स्कोर ले सकते हो विद कॉन्फिडेंस और विद हार्डवर्क प्लस प्रैक्टिस। बिकॉज 9 बैंड स्कोर लेने हैं तो मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। विदाउट प्लानिंग मैं कभी भी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। चाहे मुझे आईएलएस एग्जाम क्लियर करना है, चाहे मुझे इसके अलावा प्लानिंग करनी है अपने कनाडा जाने की, अमेरिका जाने की, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो मुझे अपनी लाइफ को अगर स्टेबल करना है तो मुझे हार्डवर्क करना होगा। मैं पहले बता चुका रीडिंग में एंड लिसनिंग में आप 9 बैंड स्कोर ले सकते हो। हम लेटेस्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं, लिसनिंग में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मैं आपकी फुल सपोर्ट करता हूँ विदाउट पे एंड मनी, किसी भी तरह कोई भी पैसा नहीं ले रहा, कोई इंस्टीट्यूट की तरह आपसे 9-9 हज़ार रुपया नहीं लिया जा रहा। मनप्रीत आईएएस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये है कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाती है, और जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। 9 to 10 मिनट्स के अंदर हम राइटिंग टास्क 1 पाई चार्ट कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना ये जरूरी है कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन है किस किस चीज़ की हो रही है, गैस की, कोयल की, अदर की, पेट्रोल की, पेट्रो न्यूक्लियर अदर कोयल सेम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ऑल ओवर जो सिंग सेम है, और लेट्स सी द पाई चार्ट ब्लोज शो द कंप्यूटर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रांस इन द 2 ईयर। ये 2 ईयर्स का गैप है कि 2 ईयर्स में भाई जो प्रोडक्शन है फ्रांस में वो कितनी हो रही है, 2 ईयर्स यहाँ पर इन्होंने कहा है। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, 2 पाई चार्ट रिलेटेड द प्रोडक्शन 5 टाइप एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस 1995 and 1992। अगर हम देखा जाए तो जो इंट्रोडक्शन है इसकी बिल्कुल एक लाइन की लिखी गई है। बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन 2 to 3 लाइंस की लिखते हैं। आप एक लाइन के इंट्रोडक्शन लिखकर भी एग्जामिनर को समझा सकते हो कि एक्चुअल में मेरे टास्क 1 में ये पूछा गया है और मैं तुझे ये बता रहा हूँ भाई, राइट बच्चे। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये 9 बैंड स्कोर का टास्क 1 है। आप देख सकते हो 2 पाई चार्ट, ये 2 पाई चार्ट है, इस इज द प्रोडक्शन ऑफ 5 टाइप, ये 5 1 2 3 4 and 5 5 टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन, कहां पर है, फ्रांस में, फ्रांस इन द कौन से ईयर में, 1995 and 2005 में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन से, ओवरऑल इन बोथ ईयर, अगर ओवरऑल देखा जावे इन दो इन बोथ ईयर, दोनों ईयर्स में क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वर गैस एंड कोयल, कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एनर्जी है वो बच्चे क्या है, गैस और कोयल। यहां पर भी 1995 में भी गैस 90.96.3 यूज हो रही है, और यहां पर 30%, यहां पर 30 और यहां पर 20, मींस ऑलमोस्ट 30% गैस और कोयल यूज हो रहा है सबसे ज्यादा इन दिस पाई चार्ट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देख सकते हो कि इन द बोथ ईयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वर गैस और कोयल विच टूगेदर अकाउंटेड फॉर द ओवर हाफ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि जो ओवर हाफ मींस कि जो सारी 100% अगर माना जाए, 100% ये एनर्जी मानी जाए, तो ओवर हाफ मींस कि ओवर थोड़ा सा हाफ से कम, नियर अबाउट 50% कह सकते हैं, मींस हमने यहाँ पर ओवर द हाफ लिख दिया, आप नियर अबाउट 50% भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट लिख सकते हो, एनीथिंग एल्स यू कैन राइट। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बच्चे, और जो सबसे कम यूज हो रहा है, व्हाई द न्यूक्लियर एंड अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी सोर्स जनरेटेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फ्रांस, भी सबसे कम जो यूज होने वाली चीज है वो अदर एंड न्यूक्लियर है
इन ऑल टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन देयर वाज ओनली मिनिमल चेंज ओवर द 10 ईयर पीरियड, कि ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया इन 10 ईयर्स में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज आया है कि इन द प्रोडक्शन में। सिंपल आप देख सकते हो, सिंपल क्लियर हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट मारकर इसको रीड आउट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोयल कंपेयर 99.80% इन द फर्स्ट ईयर एंड दिस शोड ओनली ए वेरी स्लाइट इंक्रीज अबाउट ए मेयर 1% टू 30.9% इन 2005, कि थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला, ओनली 1 point कुछ समथिंग चेंज हमें देखने को मिलेगा। लाइकवाइज इन 1985 गैस जनरेटर 2.9 60.3 विच आर रोज मर्जली टू 30.1% इन 10 ईयर, किसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो बढ़ गई है। ये चीज़ें मैं क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट वन, विद रिगार्ड्स टू द रिमेनिंग मेथड्स प्रोड्यूसिंग एनर्जी देर वॉज ए अप्रोक्सीमेट 5% ग्रोथ इन प्रोडक्शन फ्रॉम बोथ न्यूक्लियर पावर एंड अदर सोर्सेज टू 10.10 एंड 9.10 रिसेंटली, कि जो अदर सोर्स हैं हमारे, जो अदर सोर्स थे आप देख सकते हो, यहाँ पर 4.9 है, यहाँ पर 9.10 है, मीन्स यहाँ पर ओनली 5% इंक्रीज, आप इंक्रीज लिख सकते हो, ग्रोथ लिख सकते हो, ओनली 5% है जो ग्रोथ की हुई है इन 10 ईयर्स। अदर की 1995 में थी 4.9% और 2005 में थी 9.10%, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5% है जो उसकी ग्रोथ हुई है। अगर न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में ओनली 4.4% है जो इनक्रीज हुआ है। अगर पेट्रोल ऑन द अदर हैंड वाज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच डिस्क्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 29 to 27 इन 1995 अराउंड ए फिल्थ 90.55 इन 2005, कि जो ओनली पेट्रोल है जिसकी प्रोडक्शन डिस्क्रीज हुई है 1995 में 29% थी, वहाँ पर आप लिख भी ऐसे भी लिख सकते थे कि ओनली 10% पेट्रोल प्रोडक्शन डिस्क्रीज्ड इन 2005 देन 1995, कि 10% डिस्क्रीज्ड हुई है, ऐसे भी आप लिख सकते थे, सेम जैसे हमने लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों वे में आप इस चीज़ को लिख सकते हो। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमें टास्क वन दिया जाता है इसमें लिखना कुछ भी नहीं होता, जो चीज़ मुझे फ्रंट में मेरे दी गई है जस्ट इसी को ही मुझे लिखना है, रिप्रेजेंट करना है सिर्फ ओनली इस चीज़ को जो मेरे फ्रंट पे पड़ी है, जस्ट आपने इसके अंदर ओनली ग्रामर का जैसा ध्यान रखना है। अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स इसमें, बिकॉज एग्जामिनर के पास टास्क वन है टास्क टू के दोनों के बैंड स्कोर दिए जाते हैं, एग्जामिनर टास्क वन से ही अंदाजा लगा लेता है कि इसकी ग्रामर में कितना का दम है, कितना का ये ग्रामर के ऊपर फोकस है, कितना का ग्रामर इसको दिया गया है। दैट इज़ ए रीज़न IDP ने या ILS ने ये चीज़ ऐड की है टास्क वन, जस्ट ओनली ग्रामर को चेकआउट करने के लिए। तो अगर ग्रामर इंप्रूवमेंट है तो आप टास्क वन में 7.58 बैंड स्कोर कहीं भी नहीं गए बच्चे आपके, तो सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पास्ट में लिखना था और पास्ट में यहाँ पर सिर्फ ओनली ग्रामर को ही ज़्यादा 100% दिया गया है, ओनली ग्रामर के ऊपर इस चीज़ को किया गया, तो सेम आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो होप सो दैट गाइस इसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आया होगा कि आप कैसे लिख सकते हो टास्क वन, बट यही चीज़ है कि जो चीज़ सामने पड़ी है जस्ट उसी को लिखना है। अगर ना समझ आए दोबारा इस वीडियो को डेफिनेटली देखना कि आपको समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।